देखिए, आज श्रद्धांजलि का दिन था। 13 दिसंबर 2001 को जब पार्लियामेंट पर आक्रमण हुआ, आतंकवादियों ने हमला किया, कई शहीद हमारे बीच सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। आज पूरे संसद ने, सभी मंत्रियों ने, सब देश के सभी लोगों ने श्रद्धा व्यक्त की। लेकिन इस बात का दुख है कि आज इस श्रद्धा सम्मेलन में एक भी शहीद के परिवारजन सम्मिलित नहीं हुए। हम जानते हैं कि उन लोगों ने पहले भी विरोध प्रकट किया है और शायद आज भी अफजल गुरु को सजा सुनाए जाने के बाद भी उसे सजाए मौत जो सुनाई गई थी उसे पूरा ना किया गया हो। मुझे लगता है कि आज भी उनमें एक वेदना है, एक दर्द है, एक गुस्सा है कि सरकार ने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसे पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ और उन शहीदों के प्रति भारतीय जनता पार्टी अपनी श्रद्धा व्यक्त करती है। सर, कांग्रेस का ये कहना है कि जो कांधार के टाइम पे 3 टेररिस्ट छोड़े गए थे, उसके बाद से जो टेररिज्म है, टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो हैं, वो भारत में ज़्यादा बढ़े थे, इसका आप क्या कहेंगे? देखिए, आतंकवाद से लड़ने का संकल्प हर सरकार का है और इसे किसी पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। और बड़ा संकल्प उसमें दिखेगा यदि सरकारें ये तय करें कि जो इस आपराधिक घटनाक्रम में सम्मिलित हैं, जो आतंकवाद से लिप्त हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई संकल्प के साथ करे, जो शायद वर्तमान सरकार में दिखता नहीं है या कम है।